देखो मैं समझता कि जो विरोधी पार्टियां ने बॉयकॉट किया पार्लियामेंट नवी दे इनॉग्रेशन का बड़ा जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस ढंग के नाल अज बीजेपी की सरकार अपने विरोधियों निशाने पर बना ले रही है, उन्होंने एक्सट्रीम विंडेटा फेस करना पै रहा। ईडी दी एजेंसियां, सीबीआई दी एजेंसियां, इनकम टैक्स, कोई एजेंसी जी भारत की नहीं कि जी पोलिटिकल बीजेपी के ओपोनेंट्स से नहीं लगी हुई। इन हालातों में तुसी किदा एक्सपैक्ट कर सकते हो कि गवर्नमेंट के नाल आके इन्हां दे फंक्शंस विच सहयोग देन। दूसरा कि जेडे मैंबर पार्लीमेंट है, जिदा शरद पवार जी का मैं बयान सुनिया, उन्होंने ये सारे जिहड़ा एड्डा वड्डा प्रोजेक्ट एनवेसेज किया गया, उन्होंने उन्होंने कितने इनवॉल्वमेंट ही है नहीं गी। उन्हें आप मैं ट्विटर के उत्तर उन्होंने बयान पढ़िया वा, जिन्हें सारी जिंदगी इस देश के जमहूरीयत में लाती और साडे देश के राष्ट्रपति नूं नहीं बुलाया गया। होर तो होर तरह तरह के साधु संत, कोई मैं उन्होंने खिलाफ नहीं गा, लेकिन पार्लीमेंट साडा जिहड़ा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सैकुलर है। सैकुलर मतलब कि धर्म निरपक्ष। हुण तुसीं कल कल एक धर्म के लोगों को पार्लीमेंट च बना के की मैसेज देना चाहते हो, बाकी धर्मां नूं की सुनिया जाएगा। सो मैं समझदा कि जिहड़ा बॉयकॉट किया पार्लीमेंट का ओपोजिशन पार्टीज ने, ये काफ़ी वाजब दलील नाल बॉयकॉट किया गया।